हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ये सीरीज का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पहले क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर को समझा था कि कैसे कैसे उनका स्ट्रक्चर लिखना है, और उनके कॉमन रिएक्शंस के ऊपर भी थोड़ी सी बातें करी थी। इस क्लास से हम लोग ये पांच फंक्शनल ग्रुप्स का जो पैक है उसमें से एक एक फंक्शनल ग्रुप को बारी बारी से डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज के क्लास में बारी है एसिल क्लोराइड की, RCOCl। R का मतलब कोई कार्बन चेन, कोई एल्किल ग्रुप। इस COCl को तुम कहते हो, ये है एसिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप। एसिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप। और अगर सपोज हमको इसको प्रिपेयर करना है, मतलब हम कोई ऐसा कंपाउंड बनाना चाहते हैं जिसके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप रहे, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक ही रिएक्शन है हमारे पास इसके लिए कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका रिएक्शन हम SOCl2 या फिर PCl5 या फिर PCl3, इन तीनों में से किसी के भी साथ करा दें। और जब इनमें से किसी के भी साथ इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो ये जो OH है इसके बदले तुम्हें क्लोरीन मिल जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिल क्लोराइड में तुम इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर डालोगे। तो इस तरह से जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एसिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप के साथ किसी कंपाउंड को बना सकते हैं। उसके लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करना और इसको जो है एसिल क्लोराइड में बदल देना है। ओके, तीनों के साथ सेपरेट रिएक्शंस लिख लिए जाए। तो ये हुआ देखो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दो। SOCl2 को तुम नाम देते हो थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन हुआ, बना RCOCl। एक क्लोरीन बचा हुआ है उसको इस H के साथ मिला दो, HCl। और ये सल्फर का क्या होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिला तो हो जाएगा। सेम वे PCl5 के साथ भी रिएक्शन कराओ, RCO इस OH के बदले में क्लोरीन लिख दिया। ये H कहाँ जाएगा? तो HCl, और बैलेंस करने के लिए POCl3। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl3 के साथ करा दो। तीन मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे इसके, OH के बदले में RCO, इस OH के बदले में क्लोरीन लगाया और तीनों ही मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंचेंगे, प्लस H3PO3। तो ये तीनों के साथ हमने बैलेंस्ड इक्वेशंस लिख दिए। रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है लिखने में भी और करने में भी। इनके रिएक्शंस की बात करी जाए कि एसिल क्लोराइड्स कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं, तो पिछले क्लास में जब इंट्रोडक्शन तुम्हें दे रहे थे तो थोड़ी सी बात तो करी ही थी, उसी बात को हम लोग थोड़ा और डिटेल में और गहराई में देखेंगे। तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन पर है डेल्टा माइनस, कार्बन पर है डेल्टा प्लस। इस डेल्टा प्लस को देख करके न्यूक्लियोफाइल आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो देखो, जब न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इन पुराने बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता। जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक पुराना बॉन्ड तुम तोड़ोगे। ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड्स हैं, और तुम जानते होगे कि सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड ब्रेक करो और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो। रिजल्ट क्या मिलेगा तुम्हें? RC। इलेक्ट्रॉन तुमने ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन पर माइनस। न्यूक्लियोफाइल को कार्बन से जोड़ दो, क्लोरीन ऐसे ही लगा दिया जाए। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को वापस रिटर्न करेगा और डबल बॉन्ड फिर से वापस बन जाएगा, पाई बॉन्ड जो टूटा था फिर से बन जाएगा।
जब यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा तो अब इन तीनों में से किसी एक बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो तीनों में जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, और इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होने जा रहा है। क्लोरीन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, रिजल्ट तुम्हें मिला आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा इधर की तरफ लिख देते अच्छे से, तो आर सी ओ न्यूक्लियोफाइल प्लस क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया। तो इस वे में रिएक्शन का जो है हमें आइडिया हुआ कि एसिल क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्शन में हुआ क्या, तो न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और फिर वापस कर दिया, मतलब इधर कुछ नहीं होगा, जो होगा इस क्लोरीन को होगा। सो आर सी ओ क्या क्या बना दिया, आर सी ओ और इस क्लोरीन के बदले में ये न्यूक्लियोफाइल, और क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया। तो डिटेल में मैकेनिज्म लिखना हो तो ऐसे लिख लोगे, शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख लोगे, और भी शॉर्ट में लिखना है तो बस कुछ कहो मत, चुपचाप धीरे से इतना लिखो और आगे बढ़ जाओ, जिसको समझना रहेगा समझ लेगा। लेकिन तुम्हारे साथ हम ऐसा नहीं कर सकते थे, तो हमको जो है तुमको समझा करके पहले यहाँ तक लाना था, अब ऐसा कर सकते हैं कि अब धीरे से ऐसा लिखो और आगे बढ़ जाओ, अब तुम्हारे पास बुद्धि होगी तो समझ लोगे, और बुद्धि नहीं है तो फिर थोड़ा बुद्धि बढ़ाओ अपनी, और क्या। चलो सो रियल एग्जांपल लेते हैं, कोई एसिल क्लोराइड लिया हमने, इसका रिएक्शन हम कह दो सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONa सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करा दे। तो सोडियम मिथॉक्साइड में क्या है, देखो सोडियम मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में काफ़ी मतलब आयनिक टाइप का बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, तो ये बॉन्ड आयनिक है, और क्लियरली तुम ऑक्सीजन पर माइनस और सोडियम पर प्लस लिख दो, कोई मुश्किल नहीं है। ऑक्सीजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा फिर वापस रिटर्न कर दिया, इसको कुछ हुआ नहीं, और क्लोरीन यहाँ से निकल गया। बैलेंस करोगे रिएक्शन को, आर सी ओ ऑक्सीजन को ला करके इसमें जोड़ो, ऑक्सीजन के पीछे मिथाइल है वो भी चिपका दिया, देखो एक एस्टर बन गया, यहाँ से क्लोराइड निकला और इधर सोडियम है, दोनों को मिला करके NaCl लिख लो। तो आसानी से रिएक्शन हम लोगों ने पूरा कर लिया। एक और रिएक्शन, मिथाइल अल्कोहल, इसमें देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मिथाइल अल्कोहल टूटता नहीं है। पहले तो तुम्हारे मन में एक गलत कॉन्सेप्ट यह होता है कभी कभी कि मिथाइल अल्कोहल टूटेगा तो CH3+ और OH- देगा, ऐसा कभी नहीं होना है, मिथाइल अल्कोहल टूटता नहीं है ना, बॉन्ड कोवेलेंट है, ये भी बॉन्ड कोवेलेंट है, अपने आप नहीं टूटेगा। जब एक नया बॉन्ड बन जाएगा तब एक पुराना बॉन्ड तोड़ने के बारे में हम सोच सकते हैं, और वो पुराना बॉन्ड जो टूटेगा वो ये वाला होगा, ओ और एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना, तो यहाँ से इसको आगे चल करके ब्रेक होना है, और एच पर आएगा प्लस, ओ पर आएगा माइनस, कुछ ऐसा सोच सकते हो। लेकिन फिलहाल हम बिना प्लस माइनस के सीधा लोन पेयर का इस्तेमाल करके रिएक्शन कराएंगे। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, इसको कुछ हुआ नहीं, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्लोरीन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, सो ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वो भी रहेगा, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल है वो भी रहेगा, ऑक्सीजन पर आया प्लस का चार्ज, और इस प्लस के चार्ज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और उधर जो क्लोरीन निकला था Cl- वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, और नेट रिजल्ट आर सी ओ, ओ ओ के साथ CH3 बचा हुआ है, और इसका H+ और इसका Cl- मिला करके HCl बना लेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरा हुआ,
और इस रिएक्शन पर एक और पॉइंट हम लोगों को बात करना होगा। रिएक्शन को रीराइट करते हैं, ये हुआ एसिल क्लोराइड प्लस CH3OH, बना क्या RCO। इस ऑक्सीजन को ले जाकर के इस कार्बन में जोड़ना है, ऑक्सीजन के पीछे मिथाइल है वो भी आएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन मिलाकर के तुमने HCl लिख दिया। ठीक, रिएक्शन तो बहुत अच्छा है, हम लोगों ने लिख भी दिया, लेकिन परेशानी क्या है कि HCl देखो एक गैस है, पानी में आसानी से घुल जाता है, तो मोस्टली हमको लेबोरेटरी में HCl का सोल्यूशन मिलता है, लेकिन HCl एक गैस है, जब ये बनेगा तो इधर उधर भागना शुरू करेगा, जो भी आसपास है वो सांस ले रहा है, जब वो सांस अंदर की तरफ खींचेगा तो HCl भी इनहेल कर लेगा, HCl भी उसके अंदर चला जाएगा, और ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, अंदर जाएगा तो बहुत डैमेज करेगा, तो इसको इधर उधर भागने नहीं देना है, इसको पकड़ करके रखना है। तो हम करते क्या है, इस रिएक्शन में पिरिडीन मिला देते हैं। पिरिडीन क्या है, ये है नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग के जैसा स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके HCl को पकड़ लेगा, H को लोन पेयर डोनेट करेगा, क्लोरीन यहां से निकलेगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन पर आया प्लस और Cl- माइनस भी इसी के आसपास चिपका रहेगा, तो पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये पिरिडीन करेगा क्या, HCl को इधर उधर भागने नहीं देगा, HCl को इधर उधर भागने नहीं देगा, HCl इधर उधर भागेगा नहीं, और नहीं भागेगा तो HCl को, HCl से जो होने वाला डैमेज है, HCl से जो होने वाला नुकसान है, उससे बचा जा सकता है। तो दो रिएक्शन हम लोगों ने देख लिए, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ और मिथेनॉल के साथ। चलो एक और रिएक्शन, RCOCl, और इसका रिएक्शन इस बार हम लोग करा रहे हैं अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया में। अच्छा, अमोनिया से पहले चलो वाटर के साथ इसको रिएक्शन करा लेते हैं, वाटर, वाटर को ऐसे लिख लेते हैं HOH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहीं पर बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन ने एक बार इलेक्ट्रॉन लिया फिर वापस किया, इसको कुछ होगा नहीं, क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, एज ए रिजल्ट RCO, इस ऑक्सीजन को ला करके इस कार्बन में जोड़ना था तो ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ऑक्सीजन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी है, उसको भी वैसे ही लिख दिया जाए, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, सो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और रिएक्शन पूरा हो गया RCOOH। अगर बैलेंस टाइप का इक्वेशन लिखे, बैलेंस्ड टाइप का इक्वेशन लिखे तो हम कहेंगे एसिल क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स यू, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, ठीक, उसको ऐसे लिख देते हैं HOH, इसको यहां से ब्रेक कर लो, इसको यहां से ब्रेक कर लो, OH को जाकर इसमें जोड़ दो और H और क्लोरीन को मिलाकर के HCl लिख दो, तो ये रिएक्शन पूरा हुआ। और इस बार HCl की चिंता नहीं करनी है, पानी को थोड़ा ज्यादा लोगे, पानी कोई महंगा चीज तो है नहीं, ऐसे नल खोला ढेर सारा पानी मिल जाता है तो यूजली पानी ढेर सारा मिला देते हैं, तो ढेर सारा पानी मिला देना, HCl पानी में घुल जाएगा, कहीं भाग नहीं पाएगा, तो इस बार हमको कुछ बेस वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं, HCl अकेले जो है सफिशियंट है। एसिल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया से कराओ, NH3, अमोनिया के पास लोन पेयर होगा, ये डोनेट करेगा, यहां रिएक्शन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन ने वापस कर दिया, क्लोरीन बाहर निकल गया, सो RCONHH। नाइट्रोजन के साथ अभी भी तीन हाइड्रोजन है, चूंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल है, लोन पेयर डोनेट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया, सो RCONH2 लिख देंगे ना, दो हाइड्रोजन बचे हैं, सो NH2। रिएक्शन को फिर से एक बार बैलेंस्ड वे में लिखते हैं तो कुछ और भी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी, RCOCl प्लस NH3 गिविंग यू RCO
एन एच टू प्लस एच सी एल। देखो फिर से एच सी एल बना है और इस बार परेशानी ये नहीं है कि एच सी एल इधर उधर जाएगा तो लोगों को परेशान करेगा, इस बार असली परेशानी यह है कि एच सी एल क्या होता है, एसिड, और अमोनिया क्या होता है, बेस। दोनों मिलेंगे, अमोनिया प्लस एच सी एल, ये अपना एच प्लस इसको दे देगा और ये हो जाएगा एन एच फोर प्लस और सी एल माइनस, एन एच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर तुमने मान लो 50 मॉलिक्यूल लिए अमोनिया के, कि 50 मॉलिक्यूल 50 बार यहाँ रिएक्शन करेंगे और 50 बार ये बनेगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे ही अमोनिया का मॉलिक्यूल एक बार रिएक्शन करेगा एक एचसीएल बनेगा, और एचसीएल जैसे ही बनेगा वो फिर से अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एचसीएल के साथ रिएक्शन करने में भी खर्च हो रहा है। तो अगर तुम 50 मॉलिक्यूल लेकर के चलते हो तो 25 मॉलिक्यूल इधर रिएक्शन करेंगे और 25 मॉलिक्यूल एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएंगे। तो तुम जो सोचोगे वो हो नहीं पा रहा है, तो तुम सोचोगे वो हो नहीं पा रहा है। तुम सोचे थे कि 50 मॉलिक्यूल अमोनिया का लिया 50 बार ये बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, 50 में से 25 इसको बनाने में खर्च होगा और 25 जो एचसीएल के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो जाएगा। तो अमोनिया का हमको 2 मोल लेकर के चलना पड़ेगा, हमको अमोनिया का 2 मोल लेकर के चलना पड़ेगा। 2 मोल अमोनिया लेकर के चलोगे तो 1 मोल अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करेगा और 1 मोल अमोनिया जो एचसीएल बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अमोनिया को हम बिल्कुल 1 मोल लेकर के नहीं चल सकते। अगर इसका 1 मोल लिया है तो इसका 2 मोल लोगे, 1 मोल और 1 मोल आपस में रिएक्शन करेंगे और इसका जो बचा हुआ 1 मोल है वो एचसीएल के साथ न्यूट्रलाइजेशन में खर्च हो जाएगा। जैसे अमोनिया से रिएक्शन लिखा है आर सी ओ सी एल प्लस अमोनिया, तो क्या मिला तुम्हें, आर सी ओ, आर सी ओ एन एच टू प्लस एच सी एल। वैसे ही हम लोग प्राइमरी अमीन, जैसे मान लो मिथाइल अमीन हम लोगों ने चुन लिया, मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे इसमें अमोनिया ने लोन पर डोनेट किया वैसे ये भी लोन पर डोनेट करेगा और रिजल्ट तुम्हें मिलेगा सी ओ एन एच सी एस थ्री प्लस एच सी एल। और फिर से एच सी एल को न्यूट्रलाइज करना है तो इसका तुम 2 मोल ले लेना। या फिर सेकेंडरी अमीन सी ओ सी एल प्लस सी एच थ्री एन सी एस थ्री एच, ठीक, ये सेकेंडरी अमीन को हो गया, 2 बार एल्किल ग्रुप है नाइट्रोजन पर, ये लोन पर डोनेट करके यहीं पर रिएक्शन करेगा और फिर इस हाइड्रोजन को तुम बाद में हटा दोगे तो आर सी ओ एन सी एस थ्री एंड सी एस थ्री प्लस एच सी एल। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अमाइड में से ही तुमने नाइट्रोजन पर से एक एच हटा करके मिथाइल लगा दिया है, ये भी अमाइड ही है, इसको सेकेंडरी अमाइड कहते हो। और फिर यहां से यहां आ जाओ तो एक हाइड्रोजन के बदले में फिर मिथाइल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, इसको तुम टर्शियरी अमाइड कहते हो। तो अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया अमाइड बना, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन किया सेकेंडरी अमाइड बना, और सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन किया टर्शियरी अमाइड बना। यहां पर कुछ बातें हम लोग कर ले थोड़ी से, अपने पास ये कंपाउंड है, इसका नाम तुम क्या लिखते हो, तो कहते हो एसिटामाइड, कॉमन नेम में तुम कहते हो कि भाई ये एसिटामाइड है, CH3CONH2। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर बात भी की थी थोड़ी सी। एसिटामाइड बहुत कॉमन कंपाउंड है, तुमको पता ही होता है, इसमें से एक H को हटा दो, H को हटा करके चलो मिथाइल लगा दिया, इसको तुम कहते हो एन मिथाइल एसिटामाइड। ये हाइड्रोजन भी हटा दो, इसके बदले भी कुछ और लगा दो, चलो हम लोगों ने कुछ ऐसा कर लिया, सी ओ एन एक मिथाइल लगा दिया और एक इथाइल लगा दिया, इसको हम कहते हैं एन इथाइल एन मिथाइल एसिटामाइड। तो एसिटामाइड ये भी है, एसिटामाइड ये भी, एसिटामाइड ये भी है, तीनों ही अमाइड 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 है। ये प्राइमरी अमाइड है,
ये सेकेंडरी एमाइड है और ये टर्शियरी एमाइड है। तो सिचुएशंस अगर देखे जाए तो अमाइड्स तीन तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और तीनों तरह के अमाइड्स को हम लोग एसिल क्लोराइड से बना सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी और बात हम लोग करें, शॉर्टन बाउमान टेक्निक। जैसे हम सपोज एक हमने एसिल क्लोराइड ले लिया और कोई एक अमीन ले लिया, R-NH2 लिख देते हैं, दोनों में रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन कराते समय, बाद में थोड़ी देर बाद इसको बोलते हैं, दोनों में रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट लिखोगे, देखो CO N के साथ एक H R-HCl। हमारा एसिल क्लोराइड ऐसा है कि ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, वाटर इनसॉल्यूबल। अमीन ऐसा है, ये भी वाटर इनसॉल्यूबल है, पानी में नहीं घुलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक्वस NaOH भी अप्लाई कर सकते हैं। करते क्या है हम लोग, जैसे एक इसको अगले पेज पर बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन हो जाए, बर्तन बड़ा है लेकिन इसका माउथ हमने बहुत छोटा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, गुड लुकिंग। एक बड़ा सा जो है बर्तन है, इसमें नीचे जो है हम एक्वस NaOH का सोल्यूशन भर देंगे और ऊपर जो है कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा, जो पानी में घुलेगा नहीं, दोनों का दो अलग अलग लेयर बन जाएगा। इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तुमने मिला दिया अपना एसिल क्लोराइड और R-NH2 अमीन, दोनों रिएक्शन करेंगे, बनेगा RCONH R-HCl। और HCl जैसे ही बनेगा वो तुरंत एक्वस लेयर में पास कर जाएगा और यहाँ पर HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH प्रेजेंट है ना, एक्वस NaOH का सोल्यूशन है, दोनों मिलकर के NaCl प्लस वाटर बना लेते हैं। तो बहुत बार हम इस HCl को पकड़ने के लिए ऐसा इंतजाम करते हैं कि दो लेयर्स में, दो लेयर्स का इंतजाम कर लिया, नीचे एक NaOH का लेयर लगा दिया है और ऊपर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर है। पानी मोस्टली ज्यादा भारी होता है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो हल्के होते हैं, तो वो ऊपर ही तैरते रहते हैं और उसमें जो है अपना ये रिएक्शन चल रहा है, HCl जैसे बनेगा वो पानी वाले लेयर में पास हो जाएगा और NaOH से रिएक्शन करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो HCl की वजह से होने वाली परेशानियां थी वो परेशानी अब तुमको नहीं होंगी, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखोगे। एसिल क्लोराइड्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, चलो बाय नेम कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चुन लेते हैं, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया, मिथाइल पर माइनस बना लो, कार्बन पर माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस, ठीक। मेटल नॉन मेटल है तो तुम माइनस प्लस इत्मीनान से लिख सकते हो, कार्बन पर माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस, और ये कार्बन पर माइनस है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पर आकर के रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया वापस कर दिया और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल गया, रिजल्ट RCOCH3। लेकिन होता क्या है कि देखो रिएक्शन यहीं पर रुकता नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मॉलिक्यूल एक बार फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें से कोई ग्रुप निकलने के लिए तैयार नहीं होगा, तो वापसी इस बार संभव नहीं है। तो RCO-CH3 पहले से प्रेजेंट है और एक CH3 और ले जाकर के उसी में तुमने जोड़ दिया, बाद में इसको H+ देना है तो इसमें थोड़ा पानी मिला दो, पानी से भी काम हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल H+ और OH- दोनों रहता है लेकिन अपने आप नहीं टूटेगा ना, ये जब जा करके H के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ये बाहर निकल जाएगा। तो नेट रिजल्ट यू हैव RCOH CH3 और OH- निकल गया बाहर, तो तुम्हें एक अल्कोहल मिला,
तो एसिल क्लोराइड्स का रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक बार रिएक्शन किया तो क्लोरीन को डिस्प्लेस किया और ये कीटोन तुम्हें मिला, तुम्हें जो है कीटोन मिला जो कि रुकेगा नहीं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट और कीटोन दोबारा फिर से रिएक्शन करेंगे, कीटोन जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और तुम्हें अल्कोहल तक जाना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन यहां पर जाकर के रुकता है। एसिल क्लोराइड का रिएक्शन तुम करा दो, ऑर्गेनो कैडमियम से CH3 2CD, ध्यान देना CH3 MgI और CH3 CDCH3, इसको भी ऐसे लिखते हैं CH3 MgI। यहां पर भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो मेटल पर आएगा प्लस, कार्बन पर आएगा माइनस। ये कंप्लीट माइनस नहीं होता है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए कंप्लीट माइनस बना लेते हैं। बॉन्ड थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट होता है, थोड़ा थोड़ा आयनिक होता है, तो कंप्लीट माइनस नहीं होता। जैसा हम लोगों ने पिछले वाले पेज पर देखा था कंप्लीट माइनस लिख दिया तो जस्ट अपनी सुविधा के लिए, अदरवाइज कंप्लीट माइनस नहीं होता। अगर तुम अच्छे से लिखना चाहो तो तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए कि CH3 MgI है, बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर वे है लिखने का। लेकिन ज़्यादा बेटर वे के चक्कर में हम तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करते और थोड़ा सा रफ एंड टफ वे से भी लिख करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि चलो मान लिया इस पर माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, डाइमिथाइल कैडमियम या ऑर्गेनो कैडमियम, इसको ऑर्गेनो मैग्नीशियम कह सकते हो, मैग्नीशियम के साथ एल्किल ग्रुप है ऑर्गेनो मैग्नीशियम और कैडमियम के साथ एल्किल ग्रुप है तो ऑर्गेनो कैडमियम। तो ये भी जब टूटेगा तो कैडमियम पर आएगा प्लस और मिथाइल पर आएगा माइनस, ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो और ले जा करके इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करो, तो मिथाइल ग्रुप विथ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना केवल इलेक्ट्रॉन नहीं मिथाइल और इलेक्ट्रॉन दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन इसने वापस लिया, मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पहले खींचा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को पहले अपनी तरफ खींचा फिर वापस किया, तो इसको तो कुछ हुआ नहीं, क्लोरीन यहां से निकल गया और रिजल्ट क्या है, RCOCH3। और पिछले वाले पेज पर तुमने क्या देखा था कि ये जो RCOCH3 बना है, कीटोन बना है, दोबारा फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इस बार जो अंतर आएगा वो अंतर ये है, अब ये यहीं पर रुकेगा। ऑर्गेनोकैडमियम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की तरह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो रिएक्टिविटी कम होती है तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो तुम चाहते हो कि रिएक्शन को कीटोन स्टेज पर रोकना है तो इसका इस्तेमाल मत करना, इसका इस्तेमाल कर लेना। तुम चाहते हो कि रिएक्शन को और आगे बढ़ाना है, अल्कोहल में ले जाना है, तो तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन को अल्कोहल तक सीधा पहुंचा करके मानेगा, और ऑर्गेनो कैडमियम कम रिएक्टिव है, रिएक्शन को यहीं पर रोका जा सकता है। एक और रिएक्शन, एसिल क्लोराइड है, इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दो। तो तुम जानते हो बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्शन करता है, रिएक्शन को सफल बनाने के लिए AlCl3 भी चाहिए, अकेला बेंजीन कुछ नहीं कर पाएगा, AlCl3 की मदद चाहिए, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन याद आ रहा होगा तुमको। तो इसमें भी एग्जैक्टली कुछ उसी तरह की चीजें होंगी कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया फिर वापस किया और क्लोरीन निकल करके चला गया, तो तुम देखोगे RCO with बेंजीन रिंग। तो ये रिएक्शन तो हम पहले से ही जानते हैं ना, चलो बेंजीन रिंग का वही गोला बनाते हैं, ये रिएक्शन तो हम पहले से जानते हैं, बस इसको थोड़ा नए वे में देखा, पिछली बार देखा तो थोड़ा अलग वे में देखा था, इस बार देखा तो थोड़ा नए वे में देखा। तो जैसे पिछले वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल आता था यहाँ पर रिएक्शन करता था क्लोरीन हट जाता था, तो वैसे यहाँ पर भी बेंजीन आएगा यहाँ पर रिएक्शन करेगा और क्लोरीन हट जाएगा, और क्लोरीन के हट जाने से ये चीज तुमको देखने को मिलेगा। अगले रिएक्शन पर आते हैं हम लोग। सो RCOCl, इसका रिएक्शन तुम करा दो, LIAL
H4 के साथ। पहला ये LH4 करता क्या है, ये H माइनस देता है। अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेशन में न जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम पर प्लस है, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है, चारों पर एक एक माइनस है, मतलब ये 4 राउंड फायर कर सकता है। इसकी बंदूक में 4 गोलियां हैं, प्रत्येक गोली का नाम है एच माइनस। तो एच माइनस का फायर किया इसने और एच माइनस गया, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया फिर वापस किया, क्लोरीन निकल गया। सो नाउ यू हैव RCOH, ठीक। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा ही करेगा, मानेगा नहीं, तो एच माइनस अगेन। और अब ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को वापस करेगा तो इनमें से किसी एक को निकलना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस नहीं कर पाएगा, अब इसे H प्लस देने का इंतजाम करो, तो इसी में बाद में पानी मिला दो, पानी में है H प्लस और H माइनस, इसने H प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया और H माइनस निकल गया। सो RCOH, H एंड H, और रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि हम लोगों ने लिया RCOCl, रिएक्शन कराया किसके साथ, पहले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन बाद में पानी मिला दिया। पानी नहीं मिलाओगे तो इसको H प्लस नहीं मिल पाएगा ना, पानी मिलाना जरूरी है। सो RCH2OH, देखो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और OH है, CH2OH। तो एसिल क्लोराइड का रिडक्शन, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा और रिडक्शन करके अल्कोहल तक तुम पहुंच सकते हो। रिडक्शन के लिए एसिल क्लोराइड का अगर मेरे को रिडक्शन करना है तो हम एक और रास्ता अपना सकते हैं, हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ऐड करो, एक सॉरी इस बॉन्ड को ब्रेक करो, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दो, तो रिएक्शन पहुंचा यहाँ, कहाँ पहुंचा, एल्डिहाइड के पास। और एल्डिहाइड मानेगा नहीं, ये फिर से दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा, और एक एच एटम यहाँ ऐड करो, एक एच एटम यहाँ ऐड करो, तो हो गया OH, H एंड H, या फिर तुम इसी को थोड़ा संक्षेप में लिखना चाहो तो RCH2OH। तो एसिल क्लोराइड से अल्कोहल बना। सपोज हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं पर रुक जाए, इसके आगे न जाने पाए, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत वो ये करना है, मेहनत हमें कुछ ऐसा करना है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पैलेडियम लिया है, लेकिन पैलेडियम के साथ थोड़ा BSO4 मिला दिया, थोड़ा क्विनोलिन मिला दिया, और BSO4 और क्विनोलिन मिल करके पैलेडियम को थोड़ा रोकते हैं, इसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो अब पैलेडियम उतना एक्टिव नहीं है, ध्यान देना, बिना पैलेडियम के तो सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करा पाते ना, पैलेडियम की वजह से रिएक्शन हो रहा है। ये दोनों पैलेडियम को थोड़ा रोकेंगे, थोड़ा पकड़ेंगे कि रुको, बहुत ज़्यादा दूर मत भागो, तो एक ही बार रिएक्शन होगा और रिएक्शन आ करके यहाँ पर रुक जाएगा। और इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन, एंड दैट्स ऑल। एसिल क्लोराइड्स के ऊपर यही इतनी सारी बातें हम लोगों को करनी है। तो हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस देखे, क्या एक बार उनको रिव्यू करने की जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे हम लोगों ने देखा है, तो दोबारा फिर से वही बातें करने की जरूरत हमें फील नहीं हो रही है। तो बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने देखे, हाँ एक बार समराइज कर लेते हैं, पीछे के पेजेस पर न जा करके एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या रिएक्शंस हम लोगों ने देखे। तो हम लोगों ने देखा कि अपने पास एसिल क्लोराइड है, बहुत सारी चीज़ों के साथ इसका रिएक्शन कराया हम लोगों ने, इसका रिएक्शन कराया सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, और डेफिनेटली जैसे सोडियम मिथॉक्साइड वैसे सोडियम मिथॉक्साइड प्रोपॉक्साइड कुछ भी सोचा जा सकता है। हमने रिएक्शन कराया मिथेनॉल के साथ CH3OH, हमने रिएक्शन कराया पानी के साथ, हमने रिएक्शन कराया
अमोनिया और अमीन्स के साथ, तो चलो अमोनिया लिख देते हैं, अमीन्स को छोड़ देते हैं, वो माइंड में रखना। हमने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3, जैसे MgX लिख दो। हमने रिएक्शन कराया डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, और कोई ज़रूरी नहीं कि मिथाइल ले लो, इथाइल प्रोपाइल कुछ भी यहाँ ले सकते हो। हमने रिएक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन और अच्छा चलो ये आगे अगले सीन पर लिख देते हैं कि हमने एसिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ, और फिर एसिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन तो था ही पैलेडियम भी था, लेकिन इसमें इसको रोकने के लिए BSO4 और क्विनोलिन बना। ठीक, तो अपना दिमाग लगा करके इसको पूरा कर लेना, पूरा करके कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, एक सिंपल पेज में तुम एसिल क्लोराइड के पूरे रिएक्शंस को हमेशा याद रखोगे, अदरवाइज तुम एक एक रिएक्शन अलग अलग पढ़ते रहोगे तो भूल जाओगे ना। चीज़ों को पढ़ने के बाद समराइज करना जरूरी होता है कि तुमने क्या पढ़ा, उसका एक छोटा सा हिसाब किताब बना लो। तो एक पेज पर ये हिसाब किताब का आधा काम हमने कर दिया, इसको इसके आगे इसका जो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिख लेना, बाकी चीज़ें मेमोरी में इतना ही रखना होता है। ठीक, बाकी चीज़ें सोच समझ से दिमाग लगा करके अपने से करते हैं। तो मेमोरी में रखने के लिए ये लिस्ट बना लेना कि ये ऐसे ऐसे रिएक्शंस हमको कराने हैं और इनका रिजल्ट क्या होगा। बेंजीन से भी एक रिएक्शन कराया था, वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये ऐसा करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इधर लिख देते हैं, सब रिडक्शन वाले रिएक्शंस एक साथ हो जाएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर बेंजीन वाला रिएक्शन लिख लेते हैं। बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया था AlCl3 के प्रेजेंस में, तो इसको नोट करके ये रिएक्शंस जो जो उनका रिजल्ट होगा उसको पूरा कर लेना। ठीक, तो आज के क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।